उनके सामने एक फरिश्ते आते हैं जिनका जिनका नाम जबरील, हजरत जबरील है, और वो अल्लाह का पैगाम लेके उनके पास आते हैं और वो कहते हैं इकरा। How could he be more grateful to God, Allah, and by whatever name we call God? How can he be more honorable and grateful? And दिन भर को review करिए कि क्या आज आपने किसी को दुखी तो नहीं करा, क्या आपने थोड़ा सा share करा है, क्या आपने अल्लाह की तारीफ करी है, या have you praised God or have you said thank you? Please be quiet. Please maintain silence because we are all on camera. तो आप लोग सब अपना बेस्ट बिहेवियर ही देंगे, ओके चिल्ड्रन? थैंक यू वेरी मच सर, आप आए हमारे स्कूल में, एंड इट इज अ लॉट ऑफ थैंक यू टू यू फॉर कवरिंग अप द कंप्लीट प्रोग्राम। आज का प्रोग्राम एज सर ऑल्सो फेल्ट वॉज एक्सलेंट, बहुत ही बढ़िया प्रोग्राम था, वेरी वेल ऑर्गेनाइज, सिंक्रोनाइज, बच्चे बहुत खूबसूरत लग रहे हैं, छोटे वाले बच्चे जो स्टेज पे नहीं आए, मैं आप ही को देख रही थी, इट इज सो प्रिटी टू लुक एट यू चिल्ड्रन, इतने प्यारे आप सब लग रहे हैं, टीचर्स आर लुकिंग सो प्रिटी। I'm sorry for some teachers who could not really dress up. I really feel bad from the bottom of my heart ki aap jis noor se aana chahti thi na aa paye, but next time probably. But then everybody here is looking extremely pretty and handsome, and yahi dikhata hai josh with which we celebrate the function of Eid. इसका बेसिक एक कहानी भी है जो कि नौशाद सर यहाँ है, तो मैं आई विल जस्ट अटेम्प्ट टू टेल द स्टोरी एंड आई होप नौशाद सर अगर मैं कहीं गलत हूँ तो आप मुझे जरूर प्लीज चेक करिएगा। कहानी कुछ इस प्रकार से है जो कि मैंने विकिपीडिया पे पढ़ी थी कि जो मोहम्मद प्रॉफिट, हजरत मोहम्मद प्रॉफिट साहब है, वो एक बहुत ही ऑनरेबल और बहुत ही हम्बल किस्म के थे जिनको हम लोग सब मानते हैं, और वो अपना दिन भर का काम करने के बाद में वो अक्सर माउंट हीरा पे जाया करते थे जहाँ पे वो बैठ के पीस में मेडिटेशन करते थे। आप सब ये कहानी सुने बच्चे, प्लीज लिसन टू दिस स्टोरी, इट इज गोइंग टू इफेक्ट यू आल्सो। ही यूज्ड टू गो ऑन माउंट हीरा वेरी ऑफन, एंड देयर ही वुड सिट डाउन एंड ही वुड मेडिटेट, ही वुड कंटेम्पलेट एंड ही वुड थिंक कि किस तरह उनकी गलतियों को वो सुधारें और बेहतर इंसान बने, और किस तरह वो समाज की जो त्रुटियां हैं, वट एवर इज नॉट करेक्ट इन द सोसाइटी ही कुड करेक्ट इट, हाउ कुड ही बी मोर ग्रेटफुल टू गॉड, अल्लाह, एंड बाय वट एवर नेम वी कॉल गॉड, हाउ कैन ही बी मोर ऑनरेबल एंड ग्रेटफुल, हाउ कैन ही हेल्प द पुअर एंड नीडी, ये सारे उनके जहन में ये बातें रहती थी और वो इन सब बातों में सोचते थे। तो कुछ एक बार ऐसा हुआ कि जब वो अपने मेडिटेशन में थे, व्हेन ही वाज थिंकिंग अबाउट एंड ही वाज टॉकिंग टू हिज अल्लाह, उनके सामने एक फरिश्ते आते हैं जिनका जिनका नाम जबरील, हजरत जबरील है, और वो अल्लाह का पैगाम लेके उनके पास आते हैं और वो कहते हैं इकरा। अब वो इसका इकरा का मतलब होता है कि आप इसको पढ़िए, एंड मोहम्मद हजरत जो है वो प्रॉफिट मोहम्मद प्रॉफिट वो इस बात को दोबारा दोहराते हैं, एंड इसी तरह जब वो सोचते हैं कि पता नहीं किसने आके मुझे ये पैगाम दिया, क्या मैं इस काबिल हूँ, उनके मन में भी एक शक हुआ कि क्या मैं इस काबिल हूँ कि मेरे पास अल्लाह का पैगाम आया है, या गॉड हैज सेंट मी अ मैसेज, एम आई दैट केपेबल? सो ही गोज एंड टॉक्स टू हिज वाइफ, वो शेयर करते हैं अपनी वाइफ से, खदीजा से, एंड खदीजा का इतना उन पे ट्रस्ट होता है अल्लाह पे एंड अपने शौहर पे कि वो कहते हैं कि नहीं, आपने कभी किसी का गलत नहीं किया, प्लीज लिसन टू दिस, व्हाट इज मोर इम्पोर्टेंट इन द स्टोरी इज दिस, ही सेज, हिज वाइफ सेज दैट यू आर सच अ पायस मैन, आप इतने अच्छे हैं, आपने कभी किसी का दिल नहीं दुखाया, आपने कभी किसी को चोट नहीं पहुंचाई, यू हैव नेवर हर्टेड एनीबॉडी, यू हैव ऑलवेज हेल्प्ड पीपल, यू हैव ऑलवेज हेल्प्ड सोसाइटी, यू हैव हेल्प्ड एवरीबॉडी, आप एक इतने अच्छे शख्स हैं, तो आपके पास कभी कोई गलत चीज या कोई गलत पैगाम लेके नहीं आएगा, तो अगर आपको आपको किसी मैसेंजर ने आके या आपको किसी ने कहा है कि इकरा, तो आप उस चीज को करिए। और इसी तरह जो हमारे कुरान का पहला रेवलेशन है वो इसी पे है कि ही गॉट द फर्स्ट रेवलेशन ऑफ गॉड व्हाइल ही वाज मेडिटेटिंग। तो इस पूरी स्टोरी से हमें सीख ये मिलती है कि अगर हम पायस हैं, इफ वी आर गुड, इफ वी डोंट हर्ट पीपल, इफ वी आर ग्रेटफुल टू गॉड, सबसे बड़ी बात है कि जो भी हमें मिला है कम या ज्यादा, वी हैव टू बी वेरी ग्रेटफुल टू गॉड कि उन्होंने हमें इतना कुछ दिया।
अगर हम उन्हीं स्टेप्स पे चले तो मे बी वी आर ऑल्सो गिवन सम काइंड ऑफ अ रेवलेशन एंड वी विल ऑल्सो एंडाउ आवर सेल्फ और रेज आवर सेल्फ टू द लेवल्स वेयर वी कैन डू गुड टू द ह्यूमैनिटी, वी कैन डू गुड टू अदर पीपल। तो हमारे लिए बहुत जरूरी है कि हम दिन भर में बैठ के रात के टाइम पे कुछ हम अपने आप का सेल्फ रिफ्लेक्ट करें एंड वी मेक अ कॉन्शियस एफर्ट नॉट टू हर्ट पीपल, टू डू गुड टू पीपल, टू प्रेज गॉड, टू ऑलवेज बी ग्रेशियस। एंड जिन लोगों के पास नहीं है उनको हम अपने में से थोड़ा सा बांटें और अपने साथ शेयर करें। ये सारी चीजें हैं जो कि हमें ये कहानी या उनकी सीख से हमें मिलता है। सो चिल्ड्रन, एज सिटीजंस, एज children of the school, what we also impart as knowledge to you is be sharing, be kind, not be rude to people, not even to your friends. आप लोग अगर सोचते हैं कि आपने किसी को रात भर में जब आप पूरा दिन निकलने के बाद रात को अपने आप से बात करते हैं, give yourself 5 minutes, 10 minutes and दिन भर को review करिए कि क्या आज आपने किसी को दुखी तो नहीं करा, क्या आपने थोड़ा सा share करा है, क्या आपने अल्लाह की तारीफ करी है, या हैव यू प्रेज्ड गॉड और हैव यू सेड थैंक यू टू गॉड फॉर गिविंग यू व्हाटएवर ही हैज एंड हैव यू शेयर्ड अ लिटिल बिट विद समबडी एल्स। सो दीज आर सम वेरी इंपॉर्टेंट प्रीचिंग्स दैट वी हियर फ्रॉम द स्टोरीज एंड टॉकिंग अबाउट टुडेज फंक्शन, एक्सलेंट फंक्शन, इट वॉज एब्सोल्युटली वेरी वेरी ऑर्गेनाइज्ड एंड ईच एंड एवरी आइटम वॉज वेरी वेल सिंक्रोनाइज्ड। यहाँ तक कि आप लोग ने टीचर्स, आई वुड थैंक माई कम्प्लीट टीम स्टार्टिंग विद नौशाद सर, ऑल द टीचर्स, शाहरुख सर, एवरीबडी, एंड आई डोंट वॉन्ट टू मिस नेहा मैम। नाम लेने में सबसे बड़ा गलती हो जाती है कि किसी का नाम रह जाए तो बड़ा मुश्किल हो जाता है। एंड अंडर द एब्सोल्यूट कंट्रोल ऑफ प्रेमा मैम हु इज देयर इन एवरी फंक्शन एंड शी इज बिजी देयर राइट नाउ विद द एडमिशन, आई जस्ट गॉन टू सी हर। हर टीचर ने बहुत अच्छे से करा, द किड्स यू हैव एंकर्ड इट वेरी वेल, एक्सीलेंट जॉब गर्ल्स, एंड आप लोग ने बहुत अच्छे से चुपचाप सब सुना सो उसके लिए भी, एंड ईच एंड एवरी आइटम वॉज वेरी वेल प्रेजेंटेड, वेरी वेल डन, एंड यहाँ तक कि इतनी बारीकियां भी टीचर्स ने देखी। आई रियली सॉ दैट द चिल्ड्रन हैड लाइंड अप हियर अर्लियर बिफोर द प्रोग्राम, दैट वॉज वेरी गुड। अनदर वेरी गुड थिंग वॉज दे वर लाइंड अप इन हाइट, अगर दो लंबे हैं तो इधर दोनों लंबे एंड बीच में छोटे वाले, ये सब भी आपने अपने बारीकियां डिटेल्स को आप लोग ने ध्यान रखा, वेरी गुड, दैट इज यू आर नियरिंग परफेक्शन, दैट इज एब्सोल्युटली गुड एंड थैंक यू वंस अगेन। एंड मैम, वुड आई, मे आई रिक्वेस्ट सर और मैम टू प्लीज कम एंड से अ फ्यू वर्ड्स, एंड वंस अगेन थैंक यू सर, यू आर वेलकम एवरी टाइम एंड बहुत बहुत शुक्रिया आपका। सो प्लीज वेलकम मैम विद अ ह्यूज राउंड ऑफ अप्लॉज प्लीज चिल्ड्रन। थोड़ा दूर से ही ले लीजिए, हम भी आएंगे।